गोड्डा जिला अंतर्गत सुंदर पहाड़ी प्रखंड के बासजोरी पंचायत के बासजोरी गांव के संदीप मंडल और सरफुद्दीन अंसारी के घर में 18/2/2017 को आग लगी। अंचलाधिकारी को लिखित आवेदन दिए हुए 1.5 महीना हो गए, इसके बावजूद भी विभागीय लापरवाही के कारण तत्काल राहत एवं मुआवजा अभी तक नहीं प्रदान की गई है। मेरी निशा हंसदा, ये है मेरा समुदाय। आग लग गया था 2 बजे रात को, शनिवार का दिन था, 18 तारीख को। हम लोग तो वहाँ बाहर में थे तो फोन किया कि ऐसे ऐसे अपने का घर में आग लग गया, तो सब पूरा गांव मोहल्ला का सब आदमी आया। तब सब खत्म हो गया, जल के तब थोड़ा थोड़ा आग था, तब धीरे धीरे सामान निकाला, सब पंखा उंखा बोर्ड चौकी खाटी था कैथा था, वो सब 7-8 क्विंटल धान था, पूरा खत्म हो गया। कितना संपत्ति आपका जला? 50,000 का लपट में संपत्ति। ये घर जलने की सूचना आप किनको किनको दिए? फर्स्ट में मुखिया को दिए थे, इसके बाद कर्मचारी को पास फोन किए तो उसके पास गया तो वो नहीं लिया, बोला कि ना थाना से जब तक रिसीविंग नहीं करवाएगा तब तक हम नहीं लेंगे, कैसे हम फंस जाएंगे। फिर वहाँ से रिसीविंग करने में 2 दिन लगा, गए तो बड़ा भूख नहीं पाए, फिर घूम के आए, फिर दूसरा दिन गए तो फिर यहाँ बोलोग में दिए रिसीविंग करके, तो बोला क्या हम क्या कर सकेंगे अभी, जब तक कर्मचारी का हड़ताल नहीं टूटेगा तो हम कोई सुनवाई नहीं होगा। इंक्वायरी करने के लिए ऑफिस से आए थे? हाँ, ऑफिस से आया था कर्मचारी, बताए हम लोग दुख तकलीफ के दूसरे को घर में रहते हैं और अभी तक सुनवाई नहीं होता, बोलता है हो जाएगा। आप लोग क्या चाहते हैं? जितना हम लोग को जला है पैसा कौड़ी धान चावल उस आधार से मिला जाए और घर द्वार ऐसे ही जिस तरह था उस तरह बना जाए। क्या क्या सामान जला आपका? लगभग 5 क्विंटल चावल था, गेहूँ 50 किलो जैसा होगा, धान 3 क्विंटल था, मोबाइल 2 पीस जल गया, मुर्गी था 18 पीस, स्टील का बर्तन था सब गल गया, वो सब रजाई सब था पूरा, कपड़ा चुपड़ा बच्चा का सारा जल कर खत्म। कैसे जला? अब अचानक रात को कैसे जल गया, सोया था बच्चा सब परिवार भी था, हम घर पे नहीं थे। कर्मचारी इंक्वायरी के लिए आए तो क्या बोले? तो लिख के ले गए, कल जब फिर देने गए तो बोले कि कुछ मिलेगा कि नहीं खाने पीने के लिए, सर ऐसे ही रहेंगे कहाँ रहेंगे हम लोग, बोला वो टाइम पार हो गया, खत्म हो गया, पहले बोल रहा था कि नहीं सो हड़ताल में है अभी कर्मचारी, कल जब पूछे तो बोलता नहीं सर खत्म हो गया टाइम उसके। क्या चीज़ का टाइम खत्म हो गया? अनाज जो मिलने का था, तिरपाल भी मिलता, वो सब खत्म हो गया। आप अभी क्या चाहते हैं? अभी फिलहाल हम अपना सुविधा चाहते हैं, खाने पीने के लिए कुछ हम लोग को मिल जाए, रहने के लिए कुछ दे दे, ऐसा दिक्कत हो गया है कि अभी काम भी करते हैं तो 100-150 रुपया मजदूरी मिलता है, बच्चा का कपड़ा खरीदेंगे कि खाना अलग खरीदेंगे, खरीद के लाते हैं रोज खाते हैं, वो भी भैया का घर में भी रहने के लिए दिया है, वो कब आएगा कब बोलेगा चले जाओ कहाँ जाएंगे हम, इसीलिए सरकार से हम यही दरख्वास्त करता हूँ कि रहने के लिए अभी फिलहाल हम लोग को व्यवस्था कर दीजिए। मैं और मेरे समुदाय के लोग चाहते हैं जल्द से जल्द इन्हें मुआवजा मिले, रहने के लिए इंदिरा आवास मिले, तत्काल राहत दिलाया जाए। दर्शकों से मैं अपील करती हूं कि सुंदर पहाड़ी प्रखंड के अंचलाधिकारी का नाम जितेंद्र कुमार, उनका मोबाइल नंबर 99-55-16-65-88 पर कॉल कर यह समस्या से अवगत कराएं, ताकि जल्द से जल्द आग लगी पीड़ितों को न्याय मिले। मेरी निशा हंसदा, जिला गोड्डा, झारखंड के संताल परगना से, इंडिया अनहट के लिए।